हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर आशा गावड़े, गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF कंसल्टेंट, उमंग हॉस्पिटल हड़पसर पुणे से। मेरे जो रेगुलर प्रेग्नेंट सब्सक्राइबर्स हैं, जिनका अभी डिलीवरी ड्यू है, जो अभी तुरंत या दिसंबर में डिलीवरी होने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, जो कि प्रैक्टिकली बींग अ गायनेकोलॉजिस्ट हम लोग OPD में काफ़ी टाइम फेस करते। पेशेंट को काउंसलिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि 37 वीक्स कंप्लीशन या 37 वीक्स के अराउंड अगर आपका डिलीवरी हुआ, आपके बच्चे का बर्थ हुआ, तो क्या वो बच्चा प्रीटर्म रहेगा क्या? बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार ऐसे होता है कि पेशेंट को हाइपरटेंशन रहता है, या जेस्टेशनल डायबिटीज़ रहता है, या फिर ऑब्स्टेटिक कोलेस्टेसिस रहता है। फ्रेंड्स, ये टर्म मेडिकल टर्म है बेसिकली, लेकिन मैंने काफ़ी वीडियो में यूज़ करे हैं, तो होप्स हो कि आपको समझ में आएंगे। तो मानो पेशेंट का BP बढ़ गया है, या शुगर फ्लक्चुएट हो रहा है, या आपके लीवर को स्वेलिंग है, उसकी वजह से आपके लीवर एंजाइम्स बढ़े हैं, या आपके बच्चे के अराउंड का पानी बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, बच्चे का वेट कम है, या बच्चे के डॉपलर में यानी बच्चे का ब्लड फ्लो अगर कम हो रहा है, उस केस में आपके डॉक्टर आपको बोलते हैं कि चलो अभी 37 वीक्स कंप्लीट हुए हैं, तो आपका इंडक्शन ऑफ लेबर करते हैं, यानी आपको आर्टिफिशियली लेबर पेन स्टार्ट करते हैं और आपका डिलीवरी करते हैं। लेकिन उस वक्त हम लोग क्या फेस करते हैं कि पेशेंट या पेशेंट के हस्बैंड या पेशेंट के मदर इन लॉ या मम्मी बोलते हैं कि डॉक्टर, आपने जो डिलीवरी डेट दिया है उसको तो अभी 3 हफ्ता बाकी है। नॉर्मल हम लोग जो 9 months 7 days यानी 40 वीक्स का प्रेगनेंसी काउंट करते, तो उस केस में अभी और 3 हफ्ता बाकी है, तो अभी डिलीवरी थोड़ा जल्दी नहीं रहेगा क्या? बच्चा तो जल्दी पैदा हो रहा है, तो फिर बच्चे का वेट कम रहेगा, खुद के लेबर पेन या स्पॉन्टेनियस लेबर पेन स्टार्ट होने तक हम लोग वेट करते हैं, बच्चे का वेट और थोड़ा बढ़ने देते। ऐसे काफ़ी बार पेशेंट्स रिलक्टेंट रहते हैं, इंडक्शन के लिए रेडी नहीं होते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये समझाने वाली हूँ कि 37 वीक्स पे अगर आपका बच्चा बॉर्न हुआ, तो उसके सभी ऑर्गन्स टोटली बन गए रहते। मेनली हम लोग को लंग मैच्योरिटी कंसर्न रहती। लंग मैच्योरिटी यानी क्या? उसके जो लंग्स रहते, फेफड़े बोलते हम लोग, वो प्रॉपर से फंक्शन करेंगे यानी बाहर आने के बाद। तो 37 वीक्स हम लोग को पीडियाट्रिशियन ने कट ऑफ दिया है, तो उसके बाद अगर बच्चे का डिलीवरी हुआ तो वो टोटली सेफ रहेगा बाहर की दुनिया में। लड़का रहो लड़की रहो, 37 वीक्स के बाद अगर आपका डिलीवरी हुआ तो बच्चे के सभी ऑर्गन्स मैच्योर रहते, मेनली लंग्स टोटली मैच्योर रहते, और हम लोग सेफली डिलीवरी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपना जो आज का वीडियो है कि डॉक्टर 37 वीक्स पे मेरे डॉक्टर बोल रहे कि डिलीवरी करना है, लेकिन मुझे तो लग रहा है ये बहुत ही जल्दी है, तो मेरा बच्चा प्रीटर्म तो नहीं रहेगा ना? बिल्कुल भी नहीं रहेगा फ्रेंड्स। अगर जहाँ पे आपके बेबी को अंदर रख के रिस्क है या मदर को रिस्क है, उस केस में हम लोगों को डिलीवरी करनी ही पड़ती है। तो 37 वीक्स इज़ द आइडियल लंग मैच्योरिटी। उसके बाद अगर आपने डिलीवरी करा तो बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, अपना जो आज का वीडियो है वो अगर आपको पसंद आया होगा तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और हम लोगों को ऐसे ही फॉलो करते रहो। थैंक यू।